अभी आ गया आपका प्रोफाइल पेज, जो आप अपनी बिगो प्रोफाइल में सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो। ये आपका प्रोफाइल पेज होता है, ठीक है। सबसे पहले ये आपका डीपी आ जाता है, आप अपनी मनपसंद की डीपी यहाँ पे लगा सकते हो। डीपी चेंज करने के लिए आपको फ़ोटो पे क्लिक करना है, ठीक है। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद में आपको ये देखो कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में ऑप्शन आता है डीपी चेंज करने का, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप मैक्सिमम 5 डीपी एक साथ रख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई नई डीपी सेलेक्ट करनी है तो आप कोई भी एक इमेज पे क्लिक कर दो, या खाली बॉक्स रहता है तो उस पर क्लिक कर दो, फिर रीसेलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। अगर ऑलरेडी आपकी 5 फोटो डली हुई थी, रीसेलेक्ट पे क्लिक करोगे, चूज़ फ्रॉम एल्बम और टेक ए फ़ोटो, आप खुद की फ़ोटो तुरंत की फ़ोटो लग के भी यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपको एल्बम में से फ़ोटो उठाना है तो चूज़ फ्रॉम एल्बम कर दो। इतनी सारी फ़ोटोज़ रखी रहती है, उसमें से आप कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट करके, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल तौर। जैसे आपने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आपको सेव कर देना है। सेव पे जैसे क्लिक करोगे तो ये फोटो आपकी डीपी पे लग जाएगी। ये देखो ये फोटो आपके डीपी में आ गई। अब जैसे आपको ये वाली फोटो आपको प्रोफाइल फोटो बनाना है, तो आपकी जो प्रोफाइल फोटो है ये होती है, ये प्रोफाइल में आपको दिखती है आपकी फोटो। तो जैसे इसको 2 नंबर की फ़ोटो को आपको इसमें करना है तो आप इसको स्लाइड करके इधर कर देंगे इस तरह से, ये आपकी प्रोफाइल फ़ोटो बन गया। अब इसको जैसे ही बैक करेंगे तो ये फ़ोटो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। अगर आपको अपना जैसे आपकी फ़ोटो को ऑटोमेटिकली आपकी बार में पोस्ट करना है तो यहाँ पे ये देखो राइट का मार्क है, पोस्ट करना हो तो राइट कर दो, नहीं तो इसको राइट को अनसेलेक्ट कर दो, तो ये आपकी बार में पोस्ट नहीं होगी। आपको अपना नाम चेंज करना हो तो नाम पे क्लिक करके आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। आपका जेंडर चेंज करना हो, या डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो, कंट्री चेंज करना हो, या आईडी नंबर चेंज करना हो। आईडी नंबर आप लाइफ में एक बार ही चेंज कर सकते हो, अगर एक बार आपने आईडी नंबर एडिट कर दिया तो दोबारा चेंज नहीं होगा। अपना बायो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज भी आप प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। आप अपना एजुकेशन करियर के बारे में भी यहाँ डाल सकते हैं, बायो ईयर, जैसे अगर आपको कंट्रीज अलग अलग कंट्री सेलेक्ट करनी है, कहाँ कहाँ की कंट्रीज़ की लाइव आप देखना चाहते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे बैक बटन दबाओगे फ़ोटो आपकी सेव हो जाएगी, डीपी प्रोफाइल फ़ोटो आपकी चेंज हो जाएगी। आपकी प्रोफाइल में क्या क्या दिखता है ये देखो, सबके ये नहीं रहता है, ये होता है राइजिंग स्टार, रुकी फर्स्ट, रुकी थर्ड, इस तरह से आप जिस जैसे आपका फैन फॉलोइंग बढ़ता है, जिस तरह से आपका लेवल अप होता है, तो ये आपको ऑटोमेटिक बिगो की तरफ से लेवल अप होता रहता है और आपको पोस्ट मिलती रहती है। ये आपका लेवल होता है, आपका लेवल क्या है, 35, 36 या 1, 2, 3 जो भी आपका लेवल होता है। ये अगर आपने कोई फैमिली ज्वाइन कर रखी है तो उस फैमिली का टैग आपके साथ में रहता है। ये आपके टोटल फैन फॉलोइंग है, कितने लोगों ने आपको फॉलो कर रखा है, कितने लोगों को आपने फॉलो बैक या आपने खुद ने फॉलो कर रखा है। ये आपकी रिसीविंग होती है, अब तक कि आपने कितने बीन्स रिसीव किया। ये आपकी सेंडिंग होती है, कितना बीन्स आपने सेंडिंग किया अभी तक। ये आपने अगर कोई फैमिली ज्वाइन कर रखी है तो उसकी फैमिली का नाम यहाँ पे आता है। ये एक फेम मेडल होता है, जो एक एक्टिविटी है, अभी नए लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना। और ये एक फैन मेडल होता है, जो सबको मतलब ऑफिशियल होस्ट जो होते हैं उनके लिए ये बना हुआ होता है, वही लोग फैन मेडल क्रिएट कर सकते हैं। फैन मेडल कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो फैन ग्रुप, फैंस ग्रुप, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपने ऑलरेडी बना रखा है तो अलग बात है, नहीं तो यहाँ पे एक्टिवेट योर फैन ग्रुप का यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपना फैन ग्रुप का नाम देना है, जैसे मैंने मानसी डाल रखा है, इसी तरह से आपको एक्टिवेट करना है फैन ग्रुप।